आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अविनाश जायसवाल ने जोश खरोश के साथ अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन दाखिल। गाजीपुर के दिलदार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद प्रत्याशी श्री अविनाश जायसवाल ने पूर्व विधायक सुनीता सिंह, भाजपा कार्यकर्ता तथा अपने समर्थकों के साथ सेवराई तहसील में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने मतदाताओं से सघन जनसंपर्क किया। क्षेत्र में लोकप्रिय हसमुख कर्मठ जुझारू अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अविनाश जायसवाल ने कहा कि आपके आशीर्वाद एवं समर्थन की अपेक्षा के साथ मैं दिलदार नगर पंचायत को विकास के पद पर आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हूं। बता दें कि अन्य राजनीतिक दलों द्वारा नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने नगर निकाय चुनाव के लिए जिले की सभी नगर पंचायतों के उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बताया कि नगर पंचायत जंगीपुर से अध्यक्ष पद के लिए विजय लक्ष्मी गुप्ता, सेतपुर से सुशीला सोनकर, बहादुरगंज से अरविंद प्रजापति, दिलदार नगर से अविनाश जायसवाल, सादात से प्रमिला यादव को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नगरपालिका परिषद गाजीपुर से सरिता अग्रवाल, नगरपालिका परिषद जमानिया से जयप्रकाश गुप्ता एवं नगरपालिका परिषद मोहम्मदाबाद से संदीप गुप्ता को अध्यक्ष पद से भाजपा प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके साथ ही नगरपालिका गाजीपुर से अध्यक्ष पद पर सपा के दिनेश यादव, बसपा के सुभाष चौहान, कांग्रेस के हामिद अली समेत कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी सोमवार को अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे। फिलहाल नामांकन होते ही सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। आजाद न्यूज के लिए गाजीपुर से ब्यूरो चीफ सलीम मंसूरी की रिपोर्ट।